नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है और आज मैं एक कोल्ड कॉफी बनाऊंगा जिसका नाम है कैफे ब्राउनी। ब्राउनी से कोल्ड कॉफी, हैरान होने का बात है ना दोस्तों। मेरा ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्राउनी को कैसे कोल्ड कॉफी में ब्लेंड किया जाता है। इन गर्मियों के मौसम में कोल्ड कॉफी सर्व करना तो बहुत बहुत बेहतरीन बात होगा अगर आप कोल्ड कॉफी सर्व करेंगे कोई भी गेस्ट को, अगर साथ में ट्विस्टेड कुछ रहेगा तो और भी बस। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि ब्राउनी के साथ कोल्ड कॉफी कैसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखिए और बना डालिए कैफे ब्राउनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैफे ब्राउनी बनाने के लिए आपको तो पहले चाहिए एक ब्राउनी, जो बहुत जरूरी है। इतना बड़ा नहीं, मैं छोटा सा टुकड़ा यूज करूंगा। साथ में चाहिए आपको मिल्क थोड़ा सा ऐसे, और साथ में चाहिए आपको थोड़ा सा शुगर सिरप, थोड़ा सा चाहिए चॉकलेट सॉस, चाहिए हॉट वाटर और कॉफी पाउडर, और एक हैंड ब्लेंडर जिसको बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं, मेरे पास एक हॉट वाटर है, मैं इसमें थोड़ा सा कॉफी डाल रहा हूं, तो इसको मैं कॉफी शॉट बना दे रहा हूं। ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड करके कॉफी शॉट बना लिया। मेरा ये कॉफी शॉट तैयार है। मैं ब्राउनी को 2 मिनट के लिए साइड कर देता हूं और मेरा मिल्क बाकी सामान को मैं साइड कर देता हूं। पहले जो है आपको ग्लास चुनना है कि कौन सा ग्लास में सर्व करेंगे। मेरे पास आज ये पिल्सनर जैसा ग्लास है, छोटा ग्लास, उतना बड़ा भी नहीं, तो मैं इसमें आज ये कोल्ड कॉफी सर्व करूंगा। यूजुअली कोल्ड कॉफी हमेशा टॉल ग्लास में सर्व किया जाता है, तो मैंने छोटा सा ग्लास, टॉल ग्लास चूज कर लिया आज इस कोल्ड कॉफी को सर्व करने के लिए। चलिए ग्लास हो गया, उसके बाद आपके पास होगा हैंड ब्लेंडर और रेगुलर ब्लेंडर, जो भी ब्लेंडर है ब्लेंडर तो चाहिए। साथों साथ आपको देना होगा क्रस्टाइज, तो मैं पहले क्रस्टाइज यूज करूंगा। कोल्ड कॉफी एक बेहतरीन चॉइस है, कोई भी गेस्ट को आप अगर सर्व करिएगा बहुत खुश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज बना के दिखाता हूं ब्राउनी के साथ कोल्ड कॉफी, कुछ डिफरेंट तो जरूर है ये। अब मैं इसमें डालूंगा कॉफी लिकर, जो 30 ml होने से काम चल जाएगा, पूरा नहीं चाहिए, 30 ml से हो जाएगा। हॉट है तो आइस बराबर पिघल रहा है, ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा मिल्क, और जो मैंने जिक्र करना भूल गया था वो है फ्रेश क्रीम, जो फ्रेश क्रीम इस कॉफी को बनाने के लिए चाहिए। ये फ्रेश क्रीम आपको चाहिए अराउंड 60 ml के करीब करीब। शुगर सिरप तो बहुत जरूरी है, शुगर सिरप मैंने आपको पहले ही बोला, शुगर सिरप चाहिए 10 ml, ऐसे 10 ml हो गया। अब मेरा बाकी सब इंग्रेडिएंट्स तैयार है, देना खाली बाकी है चॉकलेट सॉस, जो मैं दूंगा अराउंड 30 ml। अभी कोल्ड कॉफी का जितना सामान है मैंने सब कुछ इसमें दे डाला, कॉफी दिया, चॉकलेट सॉस दिया, क्रस्ट आइस दिया, फ्रेश क्रीम दिया, आइसक्रीम की बदली। अगर मैं फ्रेश क्रीम यूज करता हूं तो डेफिनेटली शुगर सिरप जरूर है, क्योंकि आइसक्रीम दीजिएगा तो आपको शुगर सिरप देने का जरूरत नहीं है। तो मैंने आज फ्रेश क्रीम डाला इसमें, इसको वेल बॉडीड बनाने के लिए। अभी मैं ब्लेंडर यूज करूंगा। और ट्विस्टिंग पार्ट जो है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। मैं एक ब्राउनी लूंगा और इसको मैं काटूंगा क्वार्टर, बस इतना सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा देने से आपका ये कोल्ड कॉफी तैयार हो जाएगा। तो मेरा कैफे ब्राउनी रेडी हो रहा है, आप देख लीजिए। ब्राउनी जो है ये पूरा
कॉफी के ऊपर सिमट गया। देखिए अभी मैं इसको गार्निश के तौर पे, जैसे कोल्ड कॉफी सर्व होता है तो वैसे ही कुछ ग्लास को टिल्ट कर लीजिए, नीचे से स्टार्ट करिए चॉकलेट सॉस को डालना और सुंदर करके इसको सर्व कर दीजिए ऐसे। और गार्निश के तौर पे यूजुअली कोल्ड कॉफी में सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज आइसक्रीम नहीं दूंगा, आज मैं सिंपली रख दूंगा। क्योंकि इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आज डाला ब्राउनी, तो आप एक टुकड़ा ब्राउनी का ले लीजिए और इसको आप यहां से ऐसे करके दे डालिए ऐसे, साथ में थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऊपर से। मेरा कैफे ब्राउनी तैयार है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इसका लुक्स देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स है जो आपको आराम से मिल जाएगा कोई भी मार्केट में, और अब बनाने में तो बिल्कुल बिल्कुल आसान है। रेगुलर कोल्ड कॉफी साथ में ब्राउनी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको अच्छा बहुत लगेगा। आप बना के बनाइए, अपना गेस्ट को पिलाइए और पूछिए कि उसको कैसा लगा। दोस्तों मैं तो बना डाला अपना ये कोल्ड कॉफी, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए आपके हाथ में छोड़ दिया, आप लोग ट्राई करिए और मुझे बोलिए आपको ये कोल्ड कॉफी मेरा कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे जैसे छोटे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना बहुत अहमियत रखता है। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ लाल बटन है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, उसी को खाली दबा देना, दैट्स ऑल। और दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा कोई रेसिपी है मुझे लिखिए, मैं जरूर जरूर कोशिश करूंगा उसको बनाने के लिए अपना चैनल में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।